ऐसा फीचर है जो सारी की सारी विंडोज 10 की सेटिंग्स एक ही जगह पे लाके आपको दे दे, तो कैसा लगेगा आपको? हेलो टेक्सचर्स, वेलकम है आप सबका टेकिफिशियन टॉक्स पे। मैं मनन आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप विंडोज 10 के अंदर गॉड मोड को एनेबल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टेक्सचर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई होप यार आप लोग अपने घर पे बिल्कुल सेफ हो और हेल्दी हो और लॉकडाउन का बिल्कुल अच्छे से पालन कर रहे हो। तो बिल्कुल यार सेफ रहिए, हेल्दी रहिए अपने घर पे, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार आज की वीडियो में कुछ तड़कता फड़कता सा कुछ है। कैसे? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि विंडोज 10 के अंदर एक ऐसा फीचर है जो सारी की सारी विंडोज 10 की सेटिंग्स एक ही जगह पे लाके आपको दे दे, तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ बिल्कुल, जो एक फीचर है जिसकी वजह जिससे आप क्या कर सकते हैं, विंडोज 10 की सारी सेटिंग्स को एक ही जगह पे कॉन्फ़िगर या एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या कहते हैं इसको? तो इस फीचर का नाम है गॉड मोड। गॉड मोड क्या फीचर है? गॉड मोड क्या करता है कि विंडोज 10 की सारी सेटिंग्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स हो, मैनेजमेंट सेटिंग्स हो, साउंड सेटिंग्स हो, वीडियो सेटिंग्स हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, ए टू जेड कुछ भी हो, वो आपको एक ही जगह पे लाके दे देता है। तो आप उसको एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कंट्रोल पैनल जैसा आइकन है जो, ठीक है, वैसे तो ये इसका नाम गॉड मोड क्यों रखा गया, ठीक है? सबसे पहली बात तो गॉड मोड यार कुछ भी नहीं होता, मतलब एक ऐसे ही टर्म है जो गेमर्स या मोस्टली जो कुछ लोग होते हैं वो किसी चीज़ को देते हैं टू मेक इट यू नो इनएविटेबल या इनविंसिबल, कुछ ऐसा करके। कि क्यों? क्योंकि जैसे गेम्स हैं, ठीक है, GTA 5 है, GTA 5 के अंदर गॉड मोड करके एक चीट कोड है जिससे जो पर्सन होता है वो उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं, कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे ही गॉड मोड क्या है कि आपको सारी की सारी विंडोज 10 की शक्तियाँ एक जगह लाके दे दी, ठीक है? तो इसीलिए इसका नाम गॉड मोड रखा है। वैसे आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, वो आगे आपको मैं बताऊंगा कैसे। देखिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स या जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी एक जगह आ गई, और ये सारी की सारी मतलब आप यहाँ से किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। अब आप देखेंगे जैसे इसका नाम जैसे गॉड मोड है, ठीक है, जैसे मैंने रखा हुआ है, आई थिंक शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ऊपर, तो एक बार मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं इसको, ठीक है? तो चलिए इसके स्टेप से मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक, गो टू न्यू एंड क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर। या तो एक ये तरीका है या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन फ्रॉम योर कीबोर्ड, ये एक शॉर्टकट है न्यू फोल्डर बनाने का। तो आपको इसको रीनेम करना है। मैं आपको जो ये टेक्स्ट है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको कॉपी करके सीधा यहाँ पे पेस्ट करो। और जैसे यहाँ पे देखिए इसमें फोल्डर का नाम लिखा हुआ है गॉड मोड डॉट जो भी ये टेक्स्ट है, आप इसकी जगह कोई भी अपना नाम दे सकते हो, ठीक है? सो जैसे गॉड मोड दिया, जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये एक्चुअली पूछ रहा है कि आपको इसे रिप्लेस करना है या नहीं। तो ये देखिए ये बन गया, रुकिए मैं करता हूँ इसको डिलीट मार के नया स्टार्ट करते हैं। ये गया, मैंने यहाँ पे इसको करा एंटर मारा और ये देखिए कंट्रोल पैनल्स आइकन रेडी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ गई, सारी की सारी सेटिंग्स विंडोज 10 की एक ही जगह पे। सो दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो। जैसे आपको मैं आज हमने वीडियो में बताया कि कैसे आप गॉड मोड होता क्या है, उसको कैसे एनेबल कर सकते हो, कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो,
सो आई होप टेक्सचर्स यार आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर यार इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, बट हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी सो दैट हम इम्प्रूव कर सकें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसकी जो इसमें आपको कौन सी सेटिंग सबसे कन्वीनियंट लगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टेक्सचर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।